शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुर में शनिवार को कक्षा 9वीं के 21 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कांग्रेस नेता गौतम बंटू गुज्जर ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प माला अर्पित की। उसके बाद अतिथियों की उपस्थिति में साइकिल वितरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के आसपास से आने वाले 21 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में वंदना बागवान विक्रमपुर को अतिथियों ने नगद पुरस्कार दिया। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को बताया गया कि जो भी आने वाले सत्र में अच्छे अंक से पास होंगे उनको भी पुरस्कार दिया जाए। बच्चे बच्चियों को जो 3 किलोमीटर दूर से आते हैं उन्हें सरकार कमलनाथ सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा साइकिल वितरण का प्रोग्राम था, उसमें हमने बच्चों को साइकिल वितरण की और बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया कि आप स्कूल आओ, अच्छे नंबर लाओ, हमारी तरफ से भी आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आगे सरकार की तरफ से भी बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्कूल घर से कैसे निकले बच्चे 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 6-6 किलोमीटर दूर से यहाँ पर बच्चे लड़कियाँ पैदल आती थी, उसके लिए सरकार के द्वारा साइकिल की व्यवस्था की गई। उस साइकिल का आज वितरण किया गया और सभी बच्चों के चेहरे पर जो आज मुस्कुराहट जो बच्चों लड़कों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट उन्हें साइकिल मिलने की वो आज सराहनीय थी, देखने लायक बन रही थी कि वास्तव में बच्चे के चेहरे पे जो खुशी है इससे दूसरे बच्चे भी स्कूल आने के प्रति उन्हें जागरूकता मिलेगी। अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आएंगे, गांव का नाम रोशन होगा, शहर का नाम रोशन, प्रदेश का नाम रोशन होगा, जिले का नाम रोशन होगा, बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे अगर पढ़ेंगे तो पूरे देश का नाम रोशन होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।